फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी डॉट कॉम चेंजिंग टॉप टेन इकोनॉमिक क्वेश्चन सो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए आऊँ इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपके यूपीएससी एस एस सी बैंकिंग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उम्मीद है कि आज आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख के जाएंगे जैसे कि आप सभी को पता है हमारे तीन पैकेज के बारे में फ्रेंड्स बेसिक प्रो और एडवांस ओके यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपके पास में 12 महीने 6 महीने और 3 महीने के कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियोस से 300 से ज़्यादा वीडियोस आपके पास हैं इसके अलावा टेस्ट सीरीज दे सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर दे सकते हैं पेन ड्राइव भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप सेवन जीरो कॉल या फिर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये अपना शेड्यूल है जैसे कि आपको पता है कि आज है थर्सडे तो आज अपन पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट परसिस्टेंटिशिय डेफिशियंट बजट ईयर आफ्टर ईयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूज द डेफिशियट तो देखिए हर साल क्या होता है कि अपना जो डेफिशियट है ओके okay, बजट वो बढ़ता ही जा रहा है तो सरकार ऐसा कौन सा स्टेप लेती है जिससे इसको कम किया जा सके ठीक है आपके सामने चार ऑप्शन है उसको क्या करना चाहिए रिड्यूस करना चाहिए अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर इंट्रोड्यूस करना चाहिए नई वेलफेयर स्कीम्स को रेशनलाइज करना चाहिए सब्सिडीज़ को या फिर एक्सपेंड करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को ये आपके सामने चार ऑप्शन है ठीक है और उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिशियट बजट के बारे में पता होगा डेफिशियट बजट क्या होता है फ्रेंड्स एक इंडिकेटर होता है ये किसका फाइनेंशियल हेल्थ का जब आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाता है आपके रेवेन्यू से यानी कि मैंने अगर सौ रुपये कमाए और मेरा एक्सपेंडिचर एक सौ है तो मैं क्या हूँ दस रुपये में डेफिशिएट बजट है मेरा दस रुपये ये कॉमनली गवर्नमेंट इसको यूज़ में लेती है इस वर्ड को ठीक है बजट के टाइम के ऊपर और बहुत ही कम बिजनेस में इंडिविजुअल स्पेंडिंग में काम में लिया जाता है तो कुल मिला आपको क्या करना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर है आपके जो खर्चे हैं उसको कम करना पड़ेगा ये सही ऑप्शन है नई वेलफेयर स्कीम अगर आप लगाओगे तो आपको और पैसा देना पड़ेगा तो और आपका गैप बढ़ जाएगा तो ये गलत है रेशनलाइज कर दो सब्सिडीज़ यानी कि जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अगर जो आप सब्सिडीज़ दे रहे हो उसका सही तरीके से काम में लो ठीक है जो रैशलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि बजट की प्रॉब्लम है सरकार के पास ये है कि वो मैनेज करना चाहती है फंड को बहुत ही एफिशेंटली तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है और एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज इससे भी कोई फायदा नहीं होगा तो कुल मिला जो आपका आंसर है वो है ए ए आपका यहां पे सही आंसर है दूसरा क्वेश्चन वट इज आर द दर्पस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट अनाउंस बाय आर बी आई तो एम एल जो एम सी एल आर है इसका पर्पज क्या होता है एम सी एल आर का देखिए एम सी एल आर समझिए सबसे पहले होता क्या है एम सी एल आर क्या है कि एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट है मैं आपको थोड़ा सा इसको लिख के थोड़ा बताता हूं जिससे आपको हमेशा याद रहे मिनिमम इंटरेस्ट रेट है ठीक है जो कि एक बैंक दे सकता है इससे कम वो नहीं दे सकता इस कम से और और अगर इससे कम देनी है तो स्पेशल कोई प्रोविजन से आर के अंदर वहीं से ही जा सकता है वरना नॉर्मली मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो बैंक देता है वो एम होती है और एक इंटरनल बेंच होती है रेफरेंस रेट होती है बैंक की ठीक है और एम सी जो मैथोलॉजी है ये फिक्स करती है इंटरेस्ट रेट को फॉर एडवांस के टाइम के ऊपर भी जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2016 के अंदर ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इसीलिए देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओके okay. और ये जो नई मैथोलोलॉजी है एम की इसने रिप्लेस कर दिया है बेस रेट को पहले बेस रेट होती थी जो कि काफ़ी फ्लक्चुएट भी हुआ करती थी 2010 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में एम को किया गया इससे कई सारे फायदे हैं कि जो पॉलिसी रेट्स है ट्रांसमिशन जो है पॉलिसी रेट्स का इनटू द लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक वो इम्प्रूव हो जाएगी मैथोलॉजी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है इंटरेस्ट रेट क्या होगी एडवांस में वो पता लग जाएगी एंश्योर हो जाएगी अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक क्रेडिट एट द इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू बोरोवर एज वेल एज बैंक यानी कि जो ensure हो जाएगी जो अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट की इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो कि बिल्कुल ही फेयर है बोरोवर को लेकर भी और बैंक को भी लेकर भी और ज़्यादा कॉम्पिटेटिवनेस भी बढ़ जाएगा लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट होगा ये इकनॉमी के लिए ठीक है तो इसीलिए लिए एम को इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों ही आपके सही है आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ठीक है गाइडलाइन हेल्प करेगी ट्रांसपेरेंसी लाने में मेथोलॉजी के अंदर एडवांस में इंटरेस्ट रेट को लेकर साथ में इंशॉल करेगी गाइडलाइंस अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट ऑन इंटरेस्ट रेट ये जो मैंने आपको बताया था विच आर फेयर टू द बॉरोज एज वेल एज बैंक ठीक है तो आपका आंसर यहाँ पे सी नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू बिटकॉइन समटाइम्स सीन द न्यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट तो बिटकॉइन को लेकर तो मैंने एक अलग से आपके लिए पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है उम्मीद है आज आप वो वीडियो जरूर देखेंगे ताकि आपको सब कुछ पता लग जाए तो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट है जो कि बिटकॉइन के बारे में बताया तो बताइए इसमें से कौन सा सही है बिटकॉइन को ट्रैक कर सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्रीज ओके बिटकॉइन को कोई भी सेंड कर सकता है रिसीव कर सकता है और तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट सेंड हो सकते हैं और और दूसरी साइड को पता भी नहीं चलेगा तो ये तीन ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बी टू और थ्री बिटकॉइंस को ट्रैक नहीं करता कभी भी कोई सेंट्रल बैंक किसी भी देश का ओके okay, बिटकॉइन है क्या एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे ज़्यादा कंप्लीट डिटेल के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं बिटकॉइन वाला ठीक है ये क्रिप्टो करेंसी है एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जबकि एक अनोन इन्वेंटर है प्रोग्रामर है अननोन उन्होंने इसको बनाया है या फिर कोई ग्रुप और प्रोग्रामर भी हो सकते हैं उनका नाम जो रखा गया वो है सातोशी ना माटो नाका मोटो ओके ये क्या है ओपन सोर्स क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि 2009 में इसको लॉन्च किया गया था जो सिस्टम है वो पीए टू पी एयर है यानी कि बीच में इसका किसी का कोई लेना देना नहीं है ओके okay, डायरेक्टली इसके अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं इंटरमीडिएटरी इसके अंदर नहीं होते हैं। Verifies, है? है? Okay, होता है वेरीफाई वेरीफिकेशन किससे होती है नोट्स के थ्रू होती है ओके और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लेजर होता है ब्लॉक उसके अंदर ये चीज़ें क्या होती है रिकॉर्ड होती है ब्लॉक के अंदर और इसका कोई भी इसका अथॉरिटी नहीं है कोई सेंट्रल रेसिप्रोट या फिर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है ओके ये एक सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है डी डिजिटल करेंसी तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है बी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट क्वेश्चन अटल पेंशन योजना के तहत आपको बताना है कि क्या होती है अटल पेंशन योजना ये एक मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम है जो कि टारगेट करती है आनौ, अनऑथोराइज आनौ, सेक्टर को दूसरा एक फैमिली से एक ही इसको जॉइन कर सकता है ठीक है और ये एक मिनिमम पेंशन देती है अगर किसी का पति की डेथ हो गई तो ओके सब्सक्राइब उसने कर लिया है और उसके बाद डेथ हो गई तो उसको भी ये सुविधा मिलेगी पेंशन की ये तीन ऑप्शन आपके साथ में अवेलेबल है और यहाँ पर जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सी वन और थ्री तो कुल मिला के ये जो क्या है अटल पेंशन योजना है गवर्नमेंट बैग्ड पेंशन स्कीम है जो कि इंडिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टारगेट करती है 2015 की जो बजट स्पीच थी वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बजट स्पीच के अंदर बाय द फिनंस मिनिस्टर ओके 2015 के अंदर उसके बाद में पीएम मोदी के द्वारा भी इसको प्रचार किया गया इसका कोलकाता के अंदर फिर फाइनली 2015 के अंदर जो 11 परसेंट जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो पेंशन स्कीम के तहत चल रही है तो उसको बढ़ाने को लेकर ये बात करी गई इसका एम यही है कि 18 साल से ऊपर और साठ से चालीस साल से नीचे ये दो लोग हैं जो कि पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं okay, ओके और अगर आपको एग्जिट करना है जो स्टार्ट करनी है पेंशन वो साठ सिक्सटी की एज से भी आप कर सकते हैं और 20 साल तक जो मिनिमम है ये आपको ध्यान रखना है 20 ईयर तक कम से कम मिनिमम आपको इसमें पैसे लगाना है ये इसमें शर्त है ओके okay, जो कि आपको ध्यान रखनी है देखते हैं नेक्स्ट सवाल द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग इज़ समाइम सीन इन अ न्यूज़ इन द कंटेस्ट ऑफ तो आपने फ्रेंड्स बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में सुना होगा न्यूज़ में आता रहता है तो ये क्या है ओके okay, ये आपको बताना है यहाँ पर देखिए फ्रेंड चार जो ऑप्शन है एक तो है कि माइनिंग uh, ऑपरेशन है मल्टी नेशनल कंपनीज़ का दूसरा यह है कि एक्सप्लोट करना जेनेटिक रिसोर्स देश के उसके बाद लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंट कॉस्ट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये है और यहाँ पे ये कि टैक्स को बचाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी ये काम करती है तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी आपका सही आंसर है ओके okay, अगर मैं बात करूँ कि बे, जो बेस इरोजन और जो प्रॉफिट शेयरिंग है क्या ये एक गैप है जो कि डिफरेंट टैक्स रूल की वजह से बनता है ठीक है टैक्स अवॉइड करने का एक तरीका है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ करती है तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं इससे अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है ओके अगर पायलटल टाइज ट्रिटी है क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ है इनके अंदर तो क्या हो सकता है अन भी हो सकता है यानी कि टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो देश एकदम से इन्वॉल्व होना डबल टैक्सेस टैक्से अवॉइड नहीं होना तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर बात करें कि पिछले कुछ टाइम की तो 100 से 240 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ओके okay. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपका आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन उदय स्कीम के बारे में आपको बताना है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्या है तो उम्मीद है तो उदय के बारे में सभी को पता होगा ये फिनेंशियल टर्नराउंड और रिवाइव करना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनकी हालत बहुत ख़राब थी तो उनको सही करना रिवाइव करना लोगों को सस्ती बिजली पहुँचाना ये काम है उदय स्कीम का उदय डिस्कॉम एश्योरेंस योजना ये इसका पूरा नाम है उदय का ओके उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना ये फाइनेंशियल टर्न अराउंड और रिवाइवल पैकेज है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का इंडिया के अंदर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव था ओके ये परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का चाह रहे हैं पर फाइनेंशियल मैस जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्रिएट हुई है उस चीज़ को लेकर इसमें सेवेंटी जो डेप्थ है वो ओके okay. वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी इट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट विच ओन द डिस्काउंट टू टेक ओवर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ देयर डेथ यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी अलाउ कर देगी इसको डिस्काउंट को कि वो सेवेंटी फाइव परसेंट तो खुद के पास रख सकती है और पच्चीस परसेंट का जो है ना वो बॉन्ड जारी करके ओके okay, पैसे ले सकती है ताकि उससे आगे काम बढ़ जाए ये पीयूष गोयल जो ने अनाउंस करी थी स्कीम मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे पावर कोल एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अभी तक 26 स्टेट और यूनियन टेरेटरी से ज्वाइन हो सके हैं ठीक है मिजोरम था जो जो कि छब्बीसवा था और आंध्रा पहला स्टेट था जिसने इसको ज्वाइन किया था उदय स्कीम को आंध्र प्रदेश और 2017 हज़ार सत्रह मई तक की बात की जाए तो नागालैंड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये तीन नहीं गए हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डिजिटल लॉकर समटाइम्स इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट तो डिजी लॉकर के बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत ही यूजफुल एक चीज है एक लॉकर सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है इसके अंदर आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट है वो रख सकते हैं ई डॉक्यूमेंट इसके अंदर रख सकते हैं फिजिकल लोकेशन के अंदर ठीक है तो इसको अपन डिजिटल लॉकर कहते हैं और जितने भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर आप रख सकते हैं सिक्योर कर सकते हैं यहीं पर भी आपको दिखाना है तो आप वहाँ से दिखा सकते हैं शुरू के अंदर जो इसके अंदर कैपेबिलिटी थी जो स्टोरेज था वो दस एम बी तक का ही था लेकिन अब इसे बढ़ाकर एक जी बी तक का कर दिया है ओके okay, जो स्टोरेज स्पेस है वो एक जी बी तक इसको कर दिया है यहाँ पे आप एजुकेशन सर्टिफिकेट पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल ओनरशिप डॉक्यूमेंट ये सभी यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है आपको लिंक करना पड़ेगा आधार कार्ड के साथ में और उसके बाद ही ये काम कर पाएगा तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर यूज्ड बाय आई एफ पी आर आई टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट तो देखिए अगर अपन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से क्राइटेरियाज है जो कि यहाँ पे फॉलो होते हैं इस चीज़ को लेकर हंगर रिपोर्ट को लेकर ओके तो अगर अपन मैं बात करूँ कि क्या इसके अंदर अंडर नरिशमेंट चाइल्ड स्टनिंग या चाइल्ड मोटैलिटी तीनों एड होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो तो है सी यानी कि अन नरिशमेंट चाइल्ड स्टनिंग और चाइल्ड मोटेलिटी ये तीनों ही इंक्लूडेड है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के अंदर ओके मल्टी नेशनल स्थेटेटिकल टूल है जो कि डिस्क्राइब करता है कंट्रीज को उसका हंगर सिचुएशन कि वहाँ पर कितने लोग भूखे हैं ये बताता है ये इंडेक्स ये इंडेक्स सबसे पहले जो अडोप्ट किया था वो डडोप्ट किया था वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था इसीलिए यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन द एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स नो सब्सिडी इज गिवन तो आपके सामने चार ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि किसमें से सब्सिडी नहीं दी जाती है ओके okay, ये आपका सवाल है तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ए टी एफ इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की देखिए डी ए पी का मतलब क्या है डाय अमीनो फॉस्फेट और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए टी पी क्या है ए टी एफ तो बोलेंगे एविएशन टर्बाइन फ्यूल एविएशन टर्बाइन फ्यूल इसको अपन ए टी एफ कहते हैं और यहाँ पे कैरोसिन ये तो दोनों तो बहुत आसान थे ये दोनों में कन्फ्यूजन था जिसका आंसर है ए टी एफ तो देखते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है बुक बिल्डिंग व्हाट इज अ बुक बिल्डिंग आपको बुक बिल्डिंग के बारे में बताना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है एक तो यह है कि इनकम और एक्सपेंडिचर बताना किसी भी कंपनी का प्रिपेयर करना दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना तीसरा प्रोसेस ऑफ इन्वाइटिंग सब्सक्रिप्शन टू ए पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज स्पेशली थ्रू ट्रेंडिंग प्रोसेस तो देखिए ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप सब्सक्राइबर को क्या करते हो पब्लिक ऑफर करते हो अपनी कंपनी के आईपीओ लॉन्च करने या फिर सिक्योरिटीज को देने को लेकर ये रिलेटेड है तो ये सही बात है आपका आंसर भी सही है ये एक सिस्टम है प्रोसेस है जिसमें आप जनरेट कर सकते हो कैप्चर कर सकते हो रिकॉर्ड कर सकते हो इन्वेस्टर की डिमांड तो उसको शेयर देने, देने के वक्त में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देने के वक्त में ओके और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इश्यू है वो अपॉइंट कर सकता है एक मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक टू एक्ट एज ए मेजर सिक्योरिटीज अंडर राइटर और बुक रनर ओके तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है सी तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक्स के आज अपन ने कवरअप करे आपको काफी हेल्प मिलेगी आने वाले पेपर के लिए सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट